फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास गुरुकुल क्लासेस में। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको नाउन पढ़ाया था, नाउन के बारे में आपको बताया था, नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने उसके प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से और सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया था। आई होप कि वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जो नाउन है उसके 5 प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि जो नाउन है उसके इन 5 प्रकार के अलावा 2 प्रकार और होते हैं, तो आज हम उन दोनों प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो 5 प्रकार है उनके अलावा जो 2 अदर्स जो प्रकार है उन्हें कहते हैं अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उन्हें अपन हिंदी में गणनीय और अगणनीय संख्याएं कहते हैं। गणनीय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें अपन गिन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और अगणनीय संख्याएं वो होती है जिन्हें अपन गिन नहीं सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन्स आर दोज व्हिच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लुरल फॉर्म, अर्थात कि जो काउंटेबल नाउन वे सभी वस्तुएं होती हैं जिन्हें अपन गिन सकते हैं, अर्थात जिन्हें गिना जा सके और जो कि बहुवचन में हो, प्लुरल फॉर्म में हो, तभी वो गिनने में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उदाहरण के माध्यम से आप एग्जांपल देखिए इसके, कि जैसे आप देखिए फ्रेंड्स कि मैंने लिखा यहां पे चेस। अब अपन इन्हें गिन सकते हैं कि ये कितनी चेयर्स है, 10 चेयर्स है, 5 चेयर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें हम गिन सकते हैं। तो इसे अपन काउंटेबल नाउन कहेंगे। और इसके साथ ही अन्य एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे टेबल्स हो गया, पेंस हो गए, और जैसे कुछ जानवर्स हो गए, लॉयंस, डॉग्स, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो गया, टीचर्स हो गया, अर्थात ये सभी चीजें जिन्हें अपन गिन सकते हो, जो कि काउंटेड फॉर्म में हो, उन्हें अपन गिन सकते हैं, उन्हें अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से भी इसे एक बार बताता हूं, तो फ्रेंड्स सेंटेंस के माध्यम से आप देखोगे काउंटेबल नाउन क्या होता है, कि योर बुक इज ऑन द किचन टेबल, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि आपकी जो बुक है, किताब है, वो रसोई की मेज पर पड़ी है। तो इस सेंटेंस में ये जो बुक है और ये जो टेबल है, ये दोनों ही काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इन्हें गिन सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखो कि हाउ मेनी कैंडल्स आर ऑन दैट बर्थडे केक, यानी कि उस बर्थडे केक पर, यानी कि उस जन्मदिन के केक पर कितनी मोमबत्तियां हैं। तो इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हो कि जो कैंडल्स है और ये जो केक है, ये दोनों ही काउंटेबल नाउन है, हम इन्हें गिन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में जो अगला प्रकार है उसे अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रकार है उसे आप देख सकते हो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संख्या जिन्हें अपन नहीं गिन सकते। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि वे सभी संख्याएं, वे सभी वस्तुएं जिन्हें अपन नहीं गिन सकते, उन्हें अपन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अर्थात इस अनकाउंटेबल नाउन की आप एक डेफिनेशन और भी ले सकते हो, वो कैसे कि अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो सभी ज्यादातर लिक्विड ही होती है, यानी कि जो चीजें तरल में होती है, तरल पदार्थ होती है, वे सभी अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्यों? क्योंकि जो चीजें तरल में होती है उन्हें अपन गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते हम, इसलिए उनको ही अपन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सबसे बेस्ट आप जब देखिए इसका, तो फ्रेंड्स देखिए आप, मैंने लिखा यहाँ पर वाटर, तो क्या आप वाटर को गिन सकते हो? क्या नहीं गिन सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या हो गया, ये एक लिक्विड है, तरल है, इसलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी प्रकार आप देखिए
मिल्क, मिल्क यानी दूध, इसे भी अपन नहीं गिन सकते, इसलिए ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जैसे जूस हो गया, जूस को भी अपन नहीं गिन सकते। इसके अलावा ऑयल, ऑयल को भी अपन नहीं गिन सकते, इसलिए ये सभी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जैसे आप देख पा रहे हो शुगर, साल्ट, ये चीजें भी अनकाउंटेबल नाउन ही होती है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें नहीं गिन सकते, क्योंकि ये तरल है, लिक्विड है। ठीक है फ्रेंड्स। आप सेंटेंस देखिए, अगर देखिए फ्रेंड्स कि मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से एक बार समझा देना चाहता हूँ कि there is no more water in the pond, अर्थात कि तालाब में अब बहुत अधिक पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये वाटर है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे गिन नहीं सकते। और नेक्स्ट देखिए कि सी गेव मी ए यूजफुल एडवाइस। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उसने मुझे एक लाभ उपयोगी सलाह दी। तो यहाँ पर जो एडवाइस है वो एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में आपने समझा कि नाउन के पांच जो प्रकार है, उसके अलावा दो प्रकार और होते हैं जिन्हें अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल करते हैं। काउंटेबल यानी कि गणनीय, जिन्हें गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल यानी कि अपन जिन्हें नहीं गिन सकते। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने आज नाउन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं आया हो, अगर मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ कमी हो और आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ अच्छा नहीं लगा हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि मैं उस कमी को पूरा कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। कोई कमी आपको लगती हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको रोज की रोज मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।